नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के अंदर चुनावी दंगल के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी जोर तरीके से दमखम दिखा रही है। हम इस समय करावल नगर जिले के अंदर और हमारे बीच में राजीव गोस्वामी जी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली मैं ये कहूँगा करावल नगर जिले के अंदर महासचिव के पद पर हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आपका। राजीव जी, क्या कहेंगे, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है, क्या कहना है दिल्ली के अंदर? मैं आज सबसे पहले, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है चूंकि आज जी, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं सभी क्षेत्रवासियों को देता हूं, और जल्दी चूंकि होली भी है मैं उसकी भी साथ साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी। आज अगर हम बात करें, नगर निगम चुनाव सामने है, किस तरीके से पार्टी ने तैयारी कर रखी है? देखिए, पार्टी ने एक बहुत बड़ी तैयारी की है। सबसे पहले तो एक कांग्रेस मेंबरशिप के लिए जी, कांग्रेस मेंबरशिप का अभियान श्री मोदी अग्रवाल जी, अब चुनाव शुरू हुए हैं और अब हमने मेंबरशिप, ये तो काम पहले हो जाना चाहिए था। मेंबरशिप चूंकि हर पार्टी चुनाव के नजदीक ही मेंबरशिप करती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बार कांग्रेस की ये रही कि मेंबरशिप इस बार डिजिटल मेंबरशिप हो रही है और ये अभी तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। मैं अदर पार्टी की बात करना चाहूंगा, जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एक मिस कॉल किया और मेंबरशिप आ गई, लेकिन इस बार यहाँ सब कुछ डिजिटल और लाइव हो रहा है, तो सबसे अच्छी मेंबरशिप इस बार कांग्रेस की। करावल नगर जिले की अगर हम बात करें तो आप महासचिव के पद पर हैं, लगभग अब तक हम कितने मेंबर्स को जोड़ चुके हैं, नए मेंबर? मैं अपने हर्षविहार वार्ड की बात करूं, लगभग 2500 मेंबर मैं जोड़ चुका हूं जी। और आज मुझे पता लगा कि पूरी विधानसभा में अभी तक किसी ने भी इतनी बड़ी मेंबरशिप नहीं जोड़ी। 2500 मेंबर बनाने का मतलब यह है, तो आम आदमी पार्टी के भी आए होंगे और बीजेपी के भी आए होंगे? देखिए, चूंकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 3 बार रही आदरणीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के समय पर, और दिल्ली आज पूरी दिल्ली कांग्रेस के टाइम को याद कर रही है। आज भी कांग्रेस के पुराने परिवार अपने घरों में बैठे हुए हैं, सिर्फ इस इंतजार में कि कोई अच्छा कैंडिडेट हमारे सामने आए, हमारे पास आए अच्छा कैंडिडेट, और हम कांग्रेस के लिए खड़े हों। करावल नगर जिले की हम बात करें तो लगभग एक तरफ बाबूपुर कांग्रेस कमेटी और एक तरफ करावल नगर जिला सबसे पिछड़ा। देखिए, इसमें मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूँगा ये कहने से कि कई बार नेताओं ने, जो बड़े नेता हैं, उनकी भी कुछ गलतियां रही, और चूंकि काफ़ी टाइम से कांग्रेस थोड़ी सी अभी पिछड़ी हुई है, इस वजह से भी कुछ जो सीनियर लीडर हैं या जो कार्यकर्ता हैं वो भी घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन अब पूरे जोर शोर से निकल नहीं रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी के जो ऊपर के बैठे नेता हैं वो उन्हें निकालना नहीं चाह रहे। देखिए, कई बातें कह सकते हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से, चूंकि मैं दोहराना चाहूँगा कि एक छोटा चुनाव है, निगम पार्षद के लिए एक छोटा चुनाव है, एक मैं समझता हूँ वार्ड चूंकि एक छोटा चुनाव है, न तो इससे मुख्यमंत्री बनना है न इससे प्रधानमंत्री बनना है। दिल्ली की जनता, छोटा चुनाव बड़ी नींव रखता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से शर्मा जी। इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये चूंकि छोटा चुनाव है, तो इसमें जो पुराने कांग्रेसी लीडर हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सब पूरे जोर शोर से अब घरों से बाहर निकल रहे हैं, और उन्होंने ठान लिया है कि दिल्ली में इस बार निगम में कांग्रेस ही लानी है। करावल नगर जिले की बात करें, पहले एआर जोशी साहब यहां पर जिला अध्यक्ष यहां पर रह के जा चुके, उन्होंने तो मतलब कुल मिला के कांग्रेस को और डाउन ही किया, उठे नहीं। आदेश भारद्वाज जी आए हैं, आपको क्या लग रहा है, पार्टी उठ रही है? देखिए, करावल नगर जिले में मैं समझता हूं एआर जोशी जी भी काफी एक्टिव थे, पहले ऑफिसर रहे हैं, काफी एक्टिव रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जब से आदेश भारद्वाज जी करावल नगर जिले के अध्यक्ष बने, बहुत एक्टिव है, बहुत सारी मीटिंगें वो ले चुके हैं, मेरे पास भी 3 मीटिंग यहाँ हर्षविहार वार्ड में हो चुकी है, सो बहुत एक्टिव है। क्योंकि विधानसभा के अंदर हमने देख लिया 2000 वोट, 3000 वोट, इससे ऊपर नहीं मिला विधानसभा के अंदर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस के लिए एक थोड़ा सा बुरा वक्त मैं जरूर कहूंगा, लेकिन मैं इतना भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो ये वार्ड वाइज चुनाव होने हैं, निगम के लिए चुनाव होने हैं, इसमें कांग्रेस की भरपूर वापसी होगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चूंकि ये चेहरे का भी चुनाव है जी, चूंकि ये चेहरे का भी चुनाव है। राजीव जी, आपको नहीं लगता कांग्रेस के राज में जिन्होंने मलाई खाई थी आज वो सड़कों पर नहीं उतर रहे? बिल्कुल 100% मुझे लगता है उनको उतरना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक समुन्दर पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है, और मैं तो कहूंगा एक विचारधारा है, विचारधारा कभी बदल नहीं सकती, इसलिए बहुत बड़ी पार्टी है। और मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते कि उनको बिल्कुल आना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए और कांग्रेस को वापस खड़ा कर देना चाहिए। आज केवल देखने में आता है कि भाई बहन ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से भी सहमत हूं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बहुत तन मन धन से बहुत मेहनत वो कर रहे हैं,
दूसरे खैर ऐसी बात नहीं है, दूसरे सीनियर लीडर भी साथ में लगे हुए हैं, लेकिन हाँ मेहनत जरूर अभी तक कुछ कम हुई उन दोनों के अलावा। लेकिन राजीव जी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के अन्य दलों में जा रहे हैं? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, उनको कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरीके से हम अपना परिवार नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं समझता हूँ फिर अगर किसी मेंबर ने, किसी परिवार के सदस्य ने अपना घर छोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ फिर वो किस चीज का मेंबर या किस चीज का मुखिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया राहुल जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको सब कुछ दिया, काउंसलर बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आज वो समय अगर थोड़ा सा समय बुरा वक्त अगर आज कांग्रेस पार्टी के पास है, तो उन्हें क्या अपनी पार्टी को, अपने परिवार को छोड़ना चाहिए? मैं नहीं समझता, बिल्कुल मैं धिक्कार मानता हूं इस बात को, और उनको अपनी पार्टी को नहीं छोड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी सामने मुकाबले में है पूरी दिल्ली के अंदर, मिशन 2022 कह रहे हैं कि इस बार नगर निगम में केजरीवाल। राहुल शर्मा जी, ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि एक छोटा चुनाव, एक चेहरे का चुनाव है, मैं मानता हूं कि नींव का चुनाव है। यहाँ देखना आप, थोड़ा सा वक्त आने दीजिए, मात्र एक डेढ़ महीने का समय बचा है निगम के चुनाव में, यहाँ देखना आप कांग्रेस कितनी मजबूती से वापसी करती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहता हूँ। क्या खोया हुआ वोटर वापसी आ रहा है कांग्रेस? 100% वापस आ रहा है, 100%, क्योंकि वोटरों ने देखा है कि केजरीवाल किस तरीके से झूठे बहुत सारे वादे किए हैं, और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल जी ने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। आज हर गली के चौराहे पर शराब की एक दुकान खुल चुकी है। पंजाब में जाकर के वो बोलते हैं कि मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। दिल्ली उनसे संभली नहीं है, दिल्ली को पूरा नशे की ओर उन्होंने ढकेल दिया है। जवान बच्चे, यंग एज जो शराब पीने की पहले गवर्नमेंट ने तय की गई थी, वो एज भी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कम कर दिए कि कम एज में बच्चे शराब पीना। राजीव जी, मैं इसमें आपके उसमें ये कहना चाहूंगा कि जहां अरविंद केजरीवाल ने उस फाइल पे साइन करे, वहां दिल्ली के एलजी ने भी तो साइन करे। बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए था। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक ही सिक्के के पहलू? बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल्ली को पूरा बिल्कुल शराब की नगरी, देख रहे हैं आप लोग, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली को उन्होंने बिल्कुल शराब की नगरी बना डाला है। हर्ष व्यवहार की बात करें तो कांग्रेस कितनी मजबूत आप मानते हैं? मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि लगभग 27 वर्षों से मैं यहाँ विद्यालय संचालन कर रहा हूँ। हर घर में मेरे ऐसे रिश्ते हैं जैसे अपने परिवार के किसी मेंबर के साथ रिश्ते होते हैं, और ये गॉड गिफ्ट मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ स्वभाव मेरा परमात्मा ने कुछ ऐसा बनाया कि सभी लोग बहुत खुश हैं कि यहाँ राजीव जी के आने पर हर शहर वार्ड में एक नई क्रांति होगी, एक नई शुरुआत होगी। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, जो पहले यहाँ पार्षद रहे, आप मुझसे ना पूछें, हो सकता है मैं कांग्रेसी होने के नाते उनकी मैं बुराई करूं, आप किसी आम आदमी से भी अगर उनकी बात करें, उनकी उनके लिए पूछें, बहुत इमेज उनकी खराब हो चुकी है। यहाँ छोटे छोटे जो रेहड़ी और खोमचे वालों ने, जो अपनी रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, उनसे उन्होंने उगाही की, और उनको तो मैं समझता हूँ यहाँ लैंडरमैन कहा जाता है। और मैं तो समझता हूँ चूंकि बीजेपी में, निगम में पिछले 3 बार से बीजेपी रही है, उनको लैंडरमैन कहा जाता है। देखने में आता है कि मैट खुलेआम लैंडरों पे जाते हैं, उगाई करते हैं और बंदर बाट होता है। सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। वहीं हर्षविहार वार्ड में आ रहे थे तो स्वच्छ भारत अभियान की भी धज्जियां उड़ रही हैं। बिल्कुल उड़ रही हैं, कोई सफाई प्रक्रिया बहुत अच्छी सी नहीं है इनकी, और ये हर आम आदमी कह रहा है, बिल्कुल आम आदमी कह रहा है। और इस बार हर्षविहार के लोगों ने ठाना है, देखिए मैं फिर दोहराऊंगा, कई बार मैंने दोहरा दिया कि ये छोटा चुनाव है, एक चेहरे का चुनाव है, व्यवहार का चुनाव है। यहाँ हर्षविहार वार्ड के लोगों ने ठाना है कि इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी को यहाँ नहीं आने देना है। वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी वार्ड की जनता से कि ये एक प्रधानी के टाइप का चुनाव है, इसमें वो कोई भी गलत डिसीजन ना लें, इसमें देख लें कि किस आदमी की कोई शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका व्यापार या जॉब कैसा है। सबसे पहले तो मैं निवेदन ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी जनता से कि वो इस चीज़ को भी ज़रूर देख लें और उसके बाद चयन करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि वोट कभी प्रेशर से नहीं लिया जाता, वोट व्यवहार से लिया जाता है, अपने कर्मों से वोट लिया जाता है। तो ये थे हमारे बीच में राजीव गोस्वामी जी, जिनका कहना है, ये साफ तौर पर है कि वास्तव में नगर निगम होता छोटा चेहरे का चुनाव है, छोटा चुनाव होता है, मगर कहीं ना कहीं पार्टी भी क्या नाम है, जनता देखती है कांग्रेस की ओर वापसी, जनता रुख कर रही है, समझ रही है कि वही पुराने दिन अच्छे थे, वर्तमान जो सरकार है ये तो बंदरबाट खुले तौर पर देख ही रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।